बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की कार जम्मू कश्मीर के रामबन में एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में रिजिजू बाल बाल बच गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जो कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मौजूद थे, जम्मू कश्मीर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट होता है। ये बड़ा हादसा, लेकिन गनीमत ये रही है कि उनकी जान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बाल बाल बचे हैं किरण रिजिजू। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दरअसल उधमपुर में लीगल सर्विसेज कैंप के एक कार्यक्रम को आज वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, उसी दौरान जब वो वापस लौट रहे हैं तब ये हादसा हुआ है। रामबन में ट्रक ने रिजिजू की कार को टक्कर मारी है। हादसे में बाल बाल किरण रिजिजू बच गए हैं, जो अभी शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। ट्रक आता है, टक्कर मारता है, लेकिन गनीमत यह रही कि किरण रिजिजू की को किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। और इस वक्त कोमल मेरी सहयोगी मौजूद है। कोमल, सबसे पहले अपडेट बताइए, कब और कैसे ये हादसा हुआ, कैसे ट्रक ने उनकी बुलेट प्रूफ कार को टक्कर मारी? देखिए, जब कोई मिनिस्टर्स का दौरा होता है, खासकर नेशनल हाईवे पे, तो वो एक प्रोटोकॉल के अंडर उनकी गाड़ियां चल रही होती हैं। लेकिन अभी ये थोड़ी पुलिस की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो ट्रक एकाएक गाड़ियां स्क्वाड के साथ चल रही थी, तो वो सिर्फ उन्हीं की गाड़ी के साथ टक्कर क्यों लगती है। और ये एक शुक्र सभी मना रहे हैं कि उनका कुछ नुकसान किसी का वहां नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट साइड से गाड़ी ट्रक के साथ टकराती है और वो रॉन्ग साइड से ट्रक आ रहा था, राइट साइड से स्ट्रेट जो गाड़ियां चल रही थी, रॉन्ग साइड से ट्रक ने तेजी से रफ्तार पकड़ी हुई थी और उनकी गाड़ी के साथ टक्कर लगी है, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही थी। और किरण रिजिजू जिन गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की थी कि वो उनको भी बचाए, सामने से जो गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी के साथ कोई टक्कर ना लगे, क्योंकि राइट साइड में एक गहरी खाई थी। बड़ी बात है, हालांकि ये सब जांच का विषय है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किरण रिजिजू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।